नगर निगम लिमिटेड अजमेर के प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार 25 नवंबर से 30 नवंबर तक ब्यावर खंड में रेवेन्यू रिकॉर्ड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 5000 रुपए से अधिक का विद्युत बिल बकाया होने वाले उपभोक्ताओं से बकाया भुगतान के लिए वसूली अभियान चलाकर बकाया भुगतान वसूल किया जा रहा है। बकाया विद्युत बिल के भुगतान नहीं किए जाने की सूरत में उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन काटने की प्रक्रिया की जा रही है। सेदरिया जीएसएस के AN आशीष खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 25 नवंबर से विद्युत विभाग अजमेर की ओर से उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान हेतु रेवेन्यू ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 5000 रुपए से अधिक बकाया बिजली बिल के उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उन्हें बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए आगाह किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता समय रहते बिजली बिल का भुगतान कर सके। खंडेलवाल ने बताया कि निगम के ऐसे 200 उपभोक्ता हैं जिनके 5000 रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा था। उन्होंने बताया कि ड्राइव अभियान के तहत 100 उपभोक्ताओं के बिल जमा किए गए हैं। खंडेलवाल ने बताया कि अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर 25 उपभोक्ताओं विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं। उन्होंने कार्यवाही के बाद 70 से 75 उपभोक्ताओं के बिजली का बिल बकाया चल रहा है, विभाग उनसे बिल का भुगतान करवाने का प्रयास कर रहा है। यदि फिर भी उनके द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने की सूरत में बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। खंडेलवाल ने बताया कि रेवेन्यू रिकवरी ड्राइव अभियान आगामी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। ब्यावर खंड में अजमेर अपने हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार 25 से 30 तारीख तक रेवेन्यू रिकवरी ड्राइव चल रही है, जिसमें सभी जो 5000 से ऊपर की बकाया के कनेक्शन है उनसे बकाया वसूली की कार्यवाही की जा रही है तथा जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और सभी कनेक्शन की ड्राइव ये 30 तारीख तक चलेगी। अतः सभी लोगों से निवेदन है कि विद्युत कनेक्शन कटने से होने वाले व्यवधान से बचने के लिए अपना बिल तुरंत प्रभाव से टाइम पे जमा कराएं, अन्यथा कनेक्शन कटता है तो इससे परेशानी आप सभी स्वयं लोगों को